दोस्तों ये है मेमोरी कॉपियर। तो यहाँ पर ओरिजिनल जो मेमोरी होती है मास्टर मेमोरी, उसको यहाँ पे लगाना होता है और ब्लैंक मेमोरी को यहाँ पे लगाना होता है। और फिर इस यहाँ से स्विच को ऑन करके फिर इसको कॉपी वाले बटन को प्रेस करना होता है। इस तरह से इस मेमोरी कॉपी कर ली जाती है।